स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस अब्डोमन से रिलेटेड एक डिजीज़ है। कहने को तो बहुत छोटी सी डिजीज़ है, लेकिन लास्ट में जाकर के ये कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी लीड कर सकती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है गैस्ट्राइटिस की। गैस्ट्राइटिस की डेफिनेशन है कि इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक और स्टोमक म्यूकोजा। आपको पता है यहाँ पर कि स्टोमक के अंदर म्यूकोजल लाइनिंग होती है, और ये म्यूकोजल लाइनिंग म्यूकस को सिक्रेट करती रहती है, और ये जो म्यूकस है ये एक प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, और इस म्यूकस लेयर की वजह से HCl डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता इस म्यूकोजा के। और जब तक HCl म्यूकोजा के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता तो एसिड इंजरी या गैस्ट्राइटिस होने की संभावना भी नहीं रहती, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और लेयर रहती है, एक और प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। सपोज ये एक इरोजन्स है। होता क्या है यहाँ पे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में कि ये जो इरोजन्स है इसके ये जो किनारे हैं यहाँ पर H. पाइलोरी आकर के बैठ जाता है, यानी कि वो अपना इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देता है। ये जो वुंड बना है एक प्रकार से आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर, जिसको हम कह रहे हैं इरोजन्स, इसके जो एज हैं वहाँ पर आकर के एच पाइलोरी जो कि एक ग्राम निगेटिव बेसिलाई है वो अपना कंटामिनेशन यहाँ पर प्रोड्यूस कर देता है। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि पेट के अंदर जितनी ज़्यादा एसिडिटी होगी ये एच पाइलोरी का इन्फेक्शन उतना ही घातक और ज़्यादा खतरनाक होगा। यहाँ पर जब तक इस इरोजन्स के या ये जो वुंड बना हुआ है इसके जो ये एज हैं जब तक ये कंटामिनेशन से फ्री नहीं होंगे तब तक सेल्फ हीलिंग नहीं होगी। तो ये जो बैक्टीरिया सालों साल जो स्टोमक की म्यूकोजा है वहाँ पर अपना इन्फेक्शन प्रोड्यूस करके बैठा रहता है और इन इरोजन्स को कभी हील ही नहीं होने देता है, और लास्ट में जाकर के कैंसर जैसी घातक प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में कि कैसे कैंसर जैसी कंडीशंस तक क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो है ले जाती है किसी भी इंडिविजुअल को। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि इटियोलॉजिक फैक्टर या रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं गैस्ट्राइटिस के लिए। यहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर डिजीज दोनों के जो रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजिक फैक्टर है लगभग सेम है। तो यहां पर सबसे पहला है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पहला जो रिस्क फैक्टर है या इटियोलॉजिक फैक्टर है वो है इमोशनल स्ट्रेस। याद रखना, जब कभी भी आदमी बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, वरी जैसी कंडीशन से जब वो सफ़र करता है तो वेगस नर्व क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। खास तौर से वेगस नर्व का जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस पाथवे है जब वो स्टिमुलेट हो जाता है तो गैस्ट्रिक रीजन के अंदर, बोले तो स्टोमक के अंदर जो पैराइटल सेल मास है वो स्टिमुलेट हो जाता है और HCl का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर HCl का प्रोडक्शन का बढ़ना इस बात को इंडिकेट करता है कि HCl एसिड इंजरी दे सकता है किसको, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, और गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इंजरी होने के बाद में गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है एज वेल एज पेप्टिक अल्सर डिजीज भी हो सकती है। यहाँ पर दोनों जो डिजीज है रिजेंबल करती है आपस में, उनके इटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी सब कुछ रिजेंबल करती है। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी तो हम पेप्टिक अल्सर डिजीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो है गैस्ट्राइटिस। तो यहाँ पर पैरासिम्पथेटिक पाथवे ऑफ वेगस नर्व कैन स्टिमुलेट द पैराइटल सेल मास, एंड पैराइटल सेल मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द HCl प्रोडक्शन। यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपको कि फूड पॉइजनिंग या जब आप कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं तो वो भी लीड कर सकता है किसको, गैस्ट्राइटिस को। लेकिन यहाँ पर कंटामिनेटेड जो आप फूड खा रहे हैं या आपको जो फूड पॉइजनिंग हो रही है वो लीड कर सकती है अक्यूट गैस्ट्राइटिस को, नॉट क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस
तब होगी जब आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ गड़बड़ी है। लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी होने से मतलब है कि आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, आप टोबैको चेविंग कर रहे हैं, आप टाइम पे जो है खाना आप नहीं खा पा रहे हैं, आप एल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये सब कारण हो सकते हैं आपके क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के लिए। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है एक्सपोजर टू इरिटेटिंग एजेंट्स। फूड पॉइजनिंग भी यहाँ पर आ चुका है। फूड पॉइजनिंग अक्यूट गैस्ट्राइटिस को लीड करा सकता है। और इसके साथ है इनटेक ऑफ स्पाइसी फूड। जब हम ज़्यादा तला भुना भोजन खाते हैं तो वो तला भुना जो भोजन है वो इरिटेट कर सकता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, परिणाम स्वरूप लीड हो सकती है अक्यूट गैस्ट्राइटिस या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस भी। जब आप बार बार इरिटेटिव फूड खाते हैं तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस भी जो है यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद में एक्सेसिव इनटेक ऑफ मस्टर्ड पेपर एंड क्लाउस। मस्टर्ड का मतलब है सरसों का तेल, जब ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है खाने के तौर पे, या जब काली मिर्च या लौंग का जब सेवन किया जाता है तो उससे भी गैस्ट्राइटिस की संभावना रहती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव इनटेक ऑफ एस्पिरिन एंड एनएसीआईडी। स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है कि एस्पिरिन जबरदस्त तरीके से गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट कर सकती है, और आजकल एस्पिरिन का इस्तेमाल एनाल्जेसिक के तौर पे ना हो करके एंटी प्लेटलेट अग्रीगेशन के तौर पर हो रहा है। कहने का मतलब एमआई के ट्रीटमेंट के अंदर एस्पिरिन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एनाल्जेसिक के तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और एस्पिरिन जब कभी भी दी जाती है तो एंट्री कोटेड फॉर्म में दी जाती है, इसके ऊपर एक खोल लगा दिया जाता है जिससे कि इसका इंटीग्रेशन स्टोमक में ना हो करके इसका जो डिसइंटीग्रेशन है, एक मिनट इसको थोड़ा सा रोक। एस्पिरिन आजकल एंट्री कोटेड फॉर्म के अंदर दी जा रही है, कहने का मतलब इस टैबलेट के ऊपर एक खोल बिछा दिया जाता है और जो खोल है उसकी वजह से ये जो एस्पिरिन की टैबलेट जब ओरली ली जाती है तो इसका जो डिसइंटीग्रेशन है स्टोमक में ना हो करके इसका डिसइंटीग्रेशन होता है इंटेस्टाइन में। यदि इसका डिसइंटीग्रेशन स्टोमक में हो जाए तो ये खुद भी इरिटेटिव है, और फिर HCl का प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है। इसके बाद में NSAID, याद रखना एस्पिरिन भी एक NSAID है, और जो दूसरी NSAID है ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक कर सकती है। जब इसका इस्तेमाल किया जाता है NSAID का तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। और अभी शुरुआत में मैंने कहा था कि दो प्रकार की डिफेंसिव लेयर पाई जाती है आपके स्टोमक में जो कि HCl को सेपरेट करती है किससे, गैस्ट्रिक म्यूकोजा से। पहली तो है म्यूकोजल लाइनिंग, म्यूकोजा सिक्रेट होती रहती है तो म्यूकोजल लाइनिंग है, और दूसरा है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन की लाइन। तो यहाँ पर NSAID है, एस्पिरिन है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ही क्या कर डालती है, ब्लॉक कर डालती है, जिसके वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का जो बैरियर है ब्रीच हो जाता है, कहने का मतलब टूट जाता है, और HCl डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है किसके, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के। गैस्ट्रिक म्यूकोजा के जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेट होती है, इंजर्ड होती है, और फिर वहाँ पर इन्फेक्शन की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर कुछ और भी ड्रग्स है, डिजिटालिस जो कि हार्ट फेलियर के अंदर दी जाती है, स्टीरॉयड, जब ये स्टीरॉयड ओरली लिए जाते हैं तो ये भी गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर डिजीज को लीड करा सकते हैं। कीमोथेरापीटिक्स ड्रग्स जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में दी जाती है, और बाइस फॉस्फोनेट्स बोन सिंथेसिस के लिए दिए जाते हैं, खासतौर से एलेंड्रोनेट, राइसड्रोनेट, इटियोड्रोनेट, ये कुछ ड्रग है जो कि बोन डीजनरेशन को कम करने के लिए दी जाती है और बोन रीजनरेशन को बढ़ाने के लिए दी जाती है। लेकिन ये जो ड्रग है ये पेप्टिक अल्सर एज वेल एज गैस्ट्राइटिस दोनों को ही लीड करा सकती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल। जब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अल्कोहल लिया जाता है तो अल्कोहल CNS डिप्रेशन प्रोड्यूस कर देता है, और जब CNS डिप्रेशन हो जाता है तो व्यक्ति खाना नहीं खा पाता है,
खाना जब वो नहीं खा पाएगा तो स्टोमक खाली रहेगा, खाली रहेगा तो HCL का प्रोडक्शन होता है और एसिड इंजरी जो है यहाँ पर हो सकती है, परिणाम स्वरूप गैस्ट्राइटिस एज वेल एज पेप्टिक अल्सर डिजीज। कैफीन, चाय कॉफ़ी वगैरह कोई भी व्यक्ति जब पीता है तो कैफीन एक प्रकार की CNS स्टिमुलेंट होती है, और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट होता है तो यहाँ पर वेगस नर्व भी स्टिमुलेट हो जाती है, और वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो पैराइटल सेल भी स्टिमुलेट हो जाती है, परिणाम स्वरूप HCL का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग जब कोई भी व्यक्ति करता है तो स्मोकिंग जो है बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट के लेवल को क्या कर देती है, घटा देती है। स्मोकिंग के अंदर निकोटीन होता है, मुख्यतः निकोटीन क्या करता है, बाइकार्बोनेट के लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से एल्कलाइन मीडियम घट जाता है और एसिडिक मीडियम बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, स्टोमक के अंदर भी एसिडिक मीडियम के बढ़ने की संभावना रहती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आ रहा है वो है बाइल रिफ्लक्स डिजीज। स्टूडेंट्स समझना होगा इसको, यहाँ पर ये आपका स्टोमक है और ये यहाँ पर पैंक्रियाज है, यहाँ से ये यहाँ पर जो अगला जो पॉइंट आया है वो है बाइल रिफ्लक्स डिजीज। ये बाइल रिफ्लक्स डिजीज जो एक इटियोलॉजिक फैक्टर है, यूजुअली क्या होता है कि लीवर से बाइल प्रोड्यूस होता है और बाइल प्रोड्यूस होने के बाद में गाल ब्लाडर के अंदर ये स्टोर रहता है, और ये जो गाल ब्लाडर से एक डक्ट निकली है इसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, और ये इधर है हिपेटिक डक्ट, दोनों आपस में मिलके ये बना लेती है कॉमन बाइल डक्ट। इस कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से बाइल आता है, और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये भी कम्युनिकेट हो जाती है पैंक्रियाटिक डक्ट से, परिणाम स्वरूप पैंक्रियाटिक जूस और ये बाइल वेन एवर नेसेसरी, जब कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है, खाना खाने के बाद में इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनको उड़ेल दिया जाता है, स्फिंक्टर ऑफ और डाई खुल जाता है और इनको सबको उड़ेल दिया जाता है ड्यूओडेनम में, जहाँ पर अमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट का जो है डाइजेशन करते हैं, हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। सबसे खास बात है बाइल रिफ्लक्स डिजीज क्या है, यहाँ पे बाइल का फ्लो इंटेस्टाइन के अंदर फॉरवर्ड होना चाहिए, लेकिन कभी कभार बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ स्पाज्म इन द ड्यूओडेनम, ये जो फ्लो है फॉरवर्ड ना होकर के बैकवर्ड हो जाता है, बैकवर्ड होकर के ये वापस से चला जाता है, बाइल जो है चला जाता है स्टोमक के अंदर। याद रखना डियर स्टूडेंट, स्टोमक की जो सेल्स हैं, स्टोमक की जो म्यूकोजल लाइनिंग है अभ्यस्त है, किसके लिए अभ्यस्त है, वो अनुकूल है खास तौर से HCL के लिए, ठीक है, लेकिन बाइल जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम का होता है, जब ये एल्कलाइन मीडियम वाला बाइल जब बैकवर्ड फ्लो होकर के स्टोमक में चला जाता है तो ये वहाँ की एसिडिटी बोले तो pH को ये क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो खाने के साथ में कुछ बैक्टीरिया भी जो है वो आ जाते हैं, और ये बैक्टीरिया स्टोमक की एसिडिटी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप खाना खाएंगे तो जो बैक्टीरिया है वो खाने के साथ में आते हैं, और जब यहाँ पर वीक एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है तो इस वीक एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर कई सारे बैक्टीरिया किल नहीं हो पाते और वो अपना इन्फेक्शन जो है प्रोड्यूस कर देते हैं, किसमें, स्टोमक की म्यूकोजा में, परिणाम स्वरूप हम देखते हैं गैस्ट्राइटिस। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जो बाइल होता है एल्कलाइन मीडियम का होता है, और जब ये बैकवर्ड फ्लो होकर के जब ये चला जाता है, रिफ्लक्स का मतलब ही है बैकवर्ड, जब ये बैक फ्लो जब इसका हो करके ये चला जाता है स्टोमक के अंदर तो ये वहाँ की pH को डिस्टर्ब कर देता है, वहाँ पर जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कलाइन
या बेसिक इन्वायरमेंट में। बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के अंदर सक्षम हो जाते हैं।